नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर 52,000 पोस्ट के लिए यूपी पुलिस ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दी है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में यूपी पुलिस ने जो 2018 की भर्ती थी उसको क्लियर कर दिया है। उसका फाइनल रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड कर दिया है। तो 2018 की जो भर्ती थी वो उसकी जो प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस में करीब 1,30,000 कांस्टेबल के पदों पे मतलब रिक्तियां खाली हैं। तो दोस्तों, यहां पर अभी 52,000 पदों के लिए यूपी पुलिस ने दोबारा से आवेदन मांग लिए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन युवाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं और जो वर्दी पहनना चाहते हैं उनके लिए खाकी वर्दी पहनने का ये सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे और योग्यता आपकी दोस्तों यहां पर ओनली 12th पास ली जाएगी। हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होगी और कब से होंगे आवेदन ये हम आपके लिए इस वीडियो में आगे बताएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 52,000 पोस्ट पर पुलिस की भर्ती होगी, ये DGP ने आदेश दे दिया है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यूपी पुलिस 50,000 कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020। तो दोस्तों, यहां पर जो है कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से आएंगे हम आपके लिए इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट ऑन 3 जनवरी 2020 के लिए ये अपडेट हुई थी। दोस्तों, यूपी पुलिस विल सून स्टार्ट द रिक्रूटमेंट ऑफ 52,000 कॉन्स्टेबल पोस्ट। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी मंथ एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर ये जनवरी मंथ में एक्सपेक्टेड थी। तो दोस्तों, जो इनका जो रिजल्ट था वो कुछ कारणों से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से यहाँ पर इनका रिजल्ट जो है वो डिले हो गया और वो जनवरी में जो रिजल्ट आना था वो आया मार्च में। तो इसी कारण ये भर्ती भी जो 52,000 कांस्टेबल पोस्ट के लिए भर्ती थी ये थोड़ी सी पोस्टपोन करनी पड़ी थी यूपी पुलिस के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही अभी आप सभी देख ही चुके हैं कि यूपी पुलिस का जो पिछला रिजल्ट था वो फाइनल रिजल्ट निकल चुका है। तो फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद में अभी इस भर्ती की जो है प्रोसेस है बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर ये एक अखबार की कटिंग है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगले साल 52,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। तो ये दिसंबर 2019 में लास्ट में करीब दिसंबर के लास्ट वीक में ये प्रेस अखबार में ये न्यूज आई थी। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको पढ़ के बता देता हूँ। DGP ने ऐलान किया, यूपी में जल्द 52,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। सूबे में 1,32,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होनी थी जिसमें 80,000 की भर्ती हो चुकी है। 52,000 की तैयारी है, इसके लिए अगले साल की शुरुआत में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस के लिए CGHS स्कीम भी लागू होगी। तो दोस्तों, CGHS की अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये मेडिकल से संबंधित है। CGHS की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो CGHS की स्कीम भी पुलिस के लिए लागू होगी ताकि बीमार होने पर पुलिसकर्मी कम पैसों में बेहतर इलाज करा सकें। तो दोस्तों, ये थी अभी इसके बारे में हम आपके लिए कुछ डिटेल में बताएंगे। तो मैं अभी बैक चलता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं कर लेता हूँ कुछ जूम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी। तो यहाँ पे आपके जो पे ग्रेड होगा दोस्तों, पे बैंड 4,200 से 20,200 होगा और आपका जो वेतन मैट्रिक्स होगी वो 1,2,700 रुपये से शुरू होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर नंबर 1 में है आरक्षी नागरिक। तो यहाँ पर पदों की संख्या है दोस्तों, अनारक्षित है यहाँ पे 9,104 और OBC की 4,116, अनुसूचित जाति की 3,824 और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की 364। टोटल यहाँ पर इनकी पोस्ट हो रही है 18,208। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपकी जो एज लिमिट होगी वो होगी 1 जुलाई 2000। ये पिछली भर्ती का दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपकी जो एज लिमिट होगी वो होगी आपकी
18 साल से 23 साल के बीच में। तो अगर आप 18 साल से 23 साल के बीच में हैं आपकी एज, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1 जुलाई 2018 नहीं, यहाँ पर 1 जुलाई 2020 है। 1 जुलाई यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, 1 जुलाई 2020 के लिए आपकी एज 18 ईयर से 23 ईयर के बीच में होनी अनिवार्य होगी। वहीं दोस्तों अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स की यही एज 18 से 26 साल के बीच में होनी अनिवार्य होगी। और दोस्तों जो एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो इनके लिए एज लिमिट होगी वो होगी 18 से 31। पे बैंड में आपके लिए बता चुका हूँ। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों इंटरमीडिएट, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पे ही देख लिया होगा कि यहाँ पर 12th पास होना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आपके किस इंडिया के किसी भी बोर्ड से आपको 12th पास होना जरूरी है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो 400 रुपये होगी, और आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप इस भर्ती के लिए जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई में है दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस भर्ती की ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट आएगी वो मैं आपके लिए अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से पहुँचा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। भर्ती बहुत ही जल्द होने वाली है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अखबार में भी दिखाया यहाँ पर निकला हुआ है। और ये जो भर्ती डिले हुई थी वो केवल यूपी पुलिस का जो रिजल्ट आने में कुछ देरी हुई थी, इसीलिए ये भर्ती थोड़ी सी डिले हुई है, वरना ये भर्ती दोस्तों जनवरी माह के फर्स्ट वीक में ही होनी तय थी। तो अभी आप सब जानते हैं कि जो यूपी पुलिस 2018 भर्ती का फाइनल रिजल्ट है वो निकल चुका है। तो अभी यूपी पुलिस का जो नेक्स्ट 52,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होनी है उसके जो प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए और अपना जो है फिजिकल स्टैंडर्ड भी सुधारते रहिए, क्योंकि आजकल बहुत टफ कंपटीशन हो गया। तो अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं और पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए मेहनत करनी होगी दोस्तों। और अगर आपको इस भर्ती के बारे में पल पल के अपडेट चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल सिबा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।